हाय गाइस, आप सब कैसी हो? आज का टॉपिक है कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर में कैसे उसको इंस्टाग्राम को पोस्ट करते हैं। सो आप लोगों को तो मालूम ही होगा, तो कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप से आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर नहीं सकते हो। सो आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है तो कोई भी पोस्ट करना है तो आपको मोबाइल फोन से ही पोस्ट करना होगा। आपको कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करने का ऑप्शन शो नहीं होगा, उधर कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसलिए मैं आज का जो इस वीडियो है जो इंस्टाग्राम लैपटॉप से कैसे इजीली अपना इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं जो डिटेल्स में टिप्स इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करना है। उतना सेटिंग्स चेंज करने के बाद आप इजीली अपना लैपटॉप से इंस्टाग्राम में कोई भी वीडियो इमेज को पोस्ट कर सकते हो। वीडियो को इन तक देखते रहिए। सो आप मेरा चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बढ़ते कंप्यूटर तरफ आगे, कंप्यूटर में जाने के बाद तो उसके लिए आपको कोई ब्राउजर में जाइए। ब्राउजर में जाने के बाद अपना इंस्टाग्राम को लॉगिन कीजिए। तो मैं मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन कर देता हूँ। सही, मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन हो गया है। तो आप देख सकते हो जो लैपटॉप में कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप इसमें कोई भी पोस्ट कर नहीं सकते हो। देखिए कोई भी पोस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा जो राइट साइड का टॉप में, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो राइट साइड का टॉप में ये जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट को क्लिक करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसको थ्री डॉट में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको मोर टूल्स का ऑप्शन है, जो मोर टूल्स में क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आपको जो डेवलपर टूल्स है इसमें ओके कीजिए, क्लिक कीजिए। देखिए इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का जो साइड है, जो राइट साइड में जो लास्ट कोडिंग सिस्टम, जो कोडिंग है, जो कोडिंग इसका जो शो हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ तो मैं आपको दूसरा ट्रिक भी बता देता हूँ। तो इसको ये कोडिंग कैसे ऑन करते हैं, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको शॉर्टकट में क्या करना होगा, तो आपको कंप्यूटर को जो F12 का जो की है, F12 का की दबाना होगा। जो मैं जी ओला F12 का की दबा देता हूँ। देखिए जो F12 का की हो गया, मैं इसको दबा देता हूँ। F12 का की दबाने के बाद आपको जिस तरह का जो कोडिंग है, कोडिंग का सिस्टम जो ऑन हो जाएगा। तो ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, तो इसके बाद आपको जो जो ओला साइनिंग है कंप्यूटर और फोन का, जो आप ये आइकन दिख रहे हो जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्लिक करना होगा। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इधर का जो साइट है, इस तरह का जो साइट खुल जाएगा, जो आपका इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है, ये जो मोबाइल का तरफ आपको मोबाइल का साइज में जो ये सेट हो जाएगा। देखिए जो डेस्कटॉप में जो मोबाइल का तरफ आपका जो वो सेट हो गया है, तो आपका ये जो टॉप में आप देख सकते हो, तो इसका जो ये ऑप्शन भी आप देख सकते हो, जो ऑप्शन ये आ गया है। तो इसको ऑप्शन को कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो इसके बाद आपको जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। ठीक है, जो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको जो ये मोबाइल का ऑप्शन शो हो जाएगा, जो आपका मोबाइल का जो मॉडल है, जो मॉडल कंपनी है, उसे शो हो जाएगा। आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, जो इंस्टाग्राम आप कौन सा मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो आप उसी हिसाब से आपको इधर चूज करना होगा। आपको मोडल जो शो हो रहा है, कोई भी से आप एक को टिक करके जो इसको भी आप टिक कर सकते हो, तो सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं आईफोन 8 चला रहा हूँ, तो U8 यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको आईफोन 6, 7, 8 का जो ऑप्शन है, इसमें मैं इसको टिक कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा इसको क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, तो इसको रिफ्रेश करना होगा। देखिए जो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के लिए आपको जो लेफ्ट साइड का जो टॉप में जो रिफ्रेश का आइकन है, जो उसमें क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ अभी। तो देखिए जब ये रिफ्रेश हो गया है, तो मैं जो कोडिंग का सिस्टम है, कोडिंग के सिस्टम को मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसको जो इनटू में क्लिक करके इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ।
कैंसिल करने के बाद देखिए जो इस तरह का जो आपका इंस्टाग्राम का जो साइट है इस तरह खुल गया है। देखिए जो ये मोबाइल का जैसे मोबाइल में चलता है तो वैसे कंप्यूटर में लैपटॉप में भी आपको वैसी तरह से खुल गया है पेज। ये जो साइज है जो मोबाइल का साइज में ये शो हो गया है। तो ये होने के बाद आपको आप देख सकते हो, जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आप देख सकते हो जो जो नीचे जो प्लस का आइकन है और इधर सर्च का भी आइकन है, आप देख सकते हो जो इधर होम का आइकन है और इधर है जो आपका लाइक का आइकन ऑप्शन है, इधर है आपका प्रोफाइल का ऑप्शन है। देखिए यही मोबाइल का तरफ शो हो गया है। तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, तो आपको पोस्ट कोई भी वीडियो इमेज पोस्ट करना है तो आपको प्लस बटन में क्लिक करना होगा, जो ये आइकन है जो प्लस का आइकन है इसमें क्लिक करना होगा। देखिए मैं इसमें क्लिक करके कोई भी फोटो को पोस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको सिंपल सा जो प्लस में क्लिक कीजिए, तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। जो क्लिक करने के बाद आपको जो कोई भी फोटो और वीडियो आप चूज करके इसमें लोड कर सकते हो। तो मैं इसमें इसमें से कोई भी एक को चूज कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला फोटो जो ई बर्गर का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैं इधर लोड कर देता हूँ। देखिए जो ये लोड हो गया है, तो ये लोड हो गया है। इसको साइज आप कम भी कर सकते हो। तो देखिए इसको जो आपको रोटेट करना है, तो जो राइट साइड का जो ऑप्शन है, जो राइट साइड का ऑप्शन में आपको जो है रोटेट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो इस पे क्लिक करके आप इसको फोटो को रोटेट भी कर सकते हो। देखिए जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, आप इसको रोटेट करके उल्टा से उल्टा जैसे भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो ये हो गया है। तो ये होने के बाद आपको जो फिल्टर का ऑप्शन भी है आप देख सकते हो, जो मैं फिल्टर दिखा देता हूँ आपको, जो फिल्टर का जो ऑप्शन भी है इसे फिल्टर में क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। देखिए जो कोई भी आपको फिल्टर कोई भी इसको कलर चेंज करना है तो कोई भी कलर में आप इसको फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए जैसे मैं ये वाला कलर को चूज कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको और यहाँ से आप एडिट में क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, जो एडिट का ऑप्शन है। तो इसमें क्लिक करके आप एडिट इसको एडिट कर सकते हो। तो ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। तो आपको राइट साइड का जो टॉप में नेक्स्ट का ऑप्शन है आप देखिए, तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना होगा। तो मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ। करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, टैग सब इधर मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने हिसाब से, अपना डिस्क्रिप्शन और जो पोस्ट है, जो वीडियो, जो फोटो, आप जैसे फोटो वीडियो डाल ले उसी हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना होगा। तो मैं बर्गर का डाल रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली इसको बर्गर लिख देता हूँ। तो लिख देता हूँ इसको मैं क्रिप्सी क्रिप्सी चिकन बर्गर। तो ये हो गया, तो मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। तो लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हो अपना लोकेशन, यहाँ से क्लिक करके आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बैंकॉक चूज किया हूँ, तो बैंकॉक थाईलैंड, तो मैं इसको लोकेशन बैंकॉक थाईलैंड में रख देता हूँ। फिर होने के बाद आप टैग पीपल में क्लिक करके आप कोई भी जो अपना जो फ्रेंड है, आप इफ आप किसी को ई फोटो वीडियो जो टैग करना चाहते हो तो आप टैग में क्लिक करके आप टैग कर सकते हो। तो मैं अभी टैग नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आप एडवांस क्लिक में, एडवांस में जब क्लिक करके तो यहाँ से भी आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, तो एक्सेसिबिलिटी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी यही नहीं चाहता हूँ। तो इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना होगा, तो इसमें जो हैशटैग है, जो सब्सक्राइब इंस्टाग्राम में जो हैशटैग डालते हैं तो उसको हैशटैग भी आप इधर दे सकते हो। तो इसमें हैशटैग लाइक देने के लिए आपको हैश टाइप करके अभी इस तरह आप कोई भी लिख सकते हो, जो बर्गर बर्गर हो गया, तो फिर हैश चिकन बर्गर। चिकन बर्गर तो फिर हैश, देखिए फूड फूड, फिर हैश फूड फूड फोटोग्राफी, फूड ब्लॉगर।
आपका टाइपिंग का हिसाब से जो बहुत सारे जो आपको ऑप्शन जो मिलेगा, आप कोई भी ऑप्शन को चूज क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एस क्लिक किया, हैश क्लिक किया, हैश क्लिक करने के बाद जैसे मेरा फूड जो मैं पोस्ट किया था वो बर्गर है, जो मैं बर्गर से रिलेटेड मैं इसको नाम देता हूँ बर्गर, बर्गर टाइप कर देता हूँ। तो बर्गर टाइप करने के बाद आपको बर्गर से जो रिलेटेड सब पोस्ट आपको जो हैशटैग जो भी हैशटैग है बर्गर से रिलेटेड हैशटैग आपको शो हो जाएगा। तो उसमें से आप कोई भी इसको सिलेक्ट करके आप इधर पोस्ट कर सकते हो। जैसे मैं बर्गर टाइप कर देता हूँ, देखिए जो बर्गर में टाइप किया है अभी आप देख सकते हो हैशटैग में बर्गर आ गया है, बर्गर की बर्गर बर्गर लव, तो आपको ये चार हैशटैग शो हो गया। तो इससे कोई भी आप चूज कर सकते हो। मैं बर्गर फूड टाइप कर देता हूँ, जैसे बर्गर फूड जो सेकंड वाला है, तो इसको मैं क्लिक करते हैं, इसको चूज हो गया, तो ये सिलेक्ट हो गया। तो इसी तरफ से आपका कोई भी हैशटैग आप लगा सकते हो, इसी हिसाब से आप कोई भी इधर आपको हैशटैग आप लगा सकते हो। क्योंकि ज्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा ऐसे नीचे कर देता हूँ। तो इसने के बाद आपको सबसे फाइनल में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपको फाइनल में जो राइट साइड का टॉप में शेयर का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना होगा। देखिए जो मैं शेयर में क्लिक कर देता हूँ, जब शेयर में क्लिक किया हूँ तो अभी लोड हो रहा है। देखिए अभी कुछ सेकंड में ये पोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो अभी योर पोस्ट वाज योर फोटो वाज पोस्टेड, देखिए अभी जो अभी मैं डाला था ये पोस्ट आ गया है, फोटो आ गया। इसी तरह से अपना इंस्टाग्राम में कंप्यूटर पीसी से लैपटॉप से आप अपना पोस्ट डाल सकते हो। अब ये होने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है, तो आपको सिंपल सा जो ये प्रोफाइल का ऑप्शन है जो राइट साइड का नीचे में, इसमें क्लिक करके आप अपना पोस्ट प्रोफाइल में जा सकते हो। इसमें क्लिक किया मैंने जो प्रोफाइल में, आपको आप अपना प्रोफाइल में जा सकते हो। देखिए जो प्रोफाइल में गया है, इसके बाद आपको सर्च करना है, कोई भी आप फ्रेंड को किसी को भी सर्च करना है तो आप जो सर्च का ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन में क्लिक करके आप अपना फ्रेंड को यहाँ ऊपर से सर्च कर सकते हो। देखिए इधर सर्च करके किसी को भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद आपको होम पेज में जाना है, तो होम में क्लिक कीजिए। होम में क्लिक करने के बाद आपको जो होम का आ गया है यहाँ से आप पोस्ट देख सकते हो। देखिए सो आज के लिए वीडियो इतने करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।